फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग शो। आज हम आटा केक बनाने जा रहे हैं इन माइक्रोवेव। तो उसके लिए हमने ये एक कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी सूजी ली है। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो दो कटोरी आटा ले सकते हो। और ये एक कटोरी से थोड़ा कम दही है और ये आधी कटोरी चीनी है और ये आधी कटोरी रिफाइंड है और ये बेकिंग पाउडर है एक चम्मच और ये बेकिंग सोडा है। ये आधा 1/4 हिस्सा डालना है आपने। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम दही डालेंगे, फिर उसके बाद हम चीनी को छन्नी से छान लेंगे। ये हमने चीनी को छान के दही में अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लिया है। अभी हम रिफाइंड भी डाल देंगे। ये कोको पाउडर भी डाल देंगे, सूजी को भी डाल देंगे। अच्छे से छान लेंगे सूजी को, आटा भी डाल देंगे, ये बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे एक चम्मच, 1/4 जो बेकिंग सोडा ये भी डाल देना है। इसको अच्छे से यहीं पे ऐसे मिक्स करके अभी छान लो। तो फ्रेंड्स, हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमने इसको घुमाना है ऐसे। फ्रेंड्स, ये दही और रिफाइंड ही था, पर हमने अभी दूध भी ऐड करना है कि इसको उस फॉर्म में लाना है केक वाले में। तो रिबन कंसिस्टेंसी में लाना है इसको। तो फ्रेंड्स, हम वनीला एसेंस भी डाल देंगे एक चम्मच। और हमने देखो इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से रखनी है, जिसे बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। ये देखो, इसको बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी, इस तरह से रखनी है। अभी हम इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए लगा देंगे। तो हम अच्छे से ग्रीस करेंगे इस तरह से, अच्छे से, कोई जगह ना छूटे, यहाँ ये ग्रीस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये बटर पेपर लगा देंगे हम, इसको भी हल्का सा ऊपर से ग्रीस करेंगे। थोड़ा साइडों पे है तो इसको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अभी हमने ये बटर बनाया है, इसको इस पर शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक दो बार ऐसे हम इसको टैप टैप करेंगे और माइक्रोवेव में लगा देंगे। ऐसे हम लगा देंगे 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए लगाएंगे कन्वेक्शन मोड पे। और जब ये 25 मिनट में ना भी हो, चेक कर लेना नाइफ डाल के, ना हो तो 10 मिनट ऊपर भी लगा सकते हो फिर दोबारा खोल के। देखिए, हमारा केक बन गया है। अभी हम इसको साइड से करेंगे, हम इस तरह से वाओ। देखिए फ्रेंड्स, कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। फ्रेंड्स, अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट बनाने के लिए ये हर्षी सिरप वाला बनाया था हमने सिर्फ, ये डाल देंगे सारे इसमें, और ज़्यादा स्पॉन्जी बन जाएगा इस तरह से। फ्रेंड्स, देखिए केक को हमने ऐसे पॉलिथीन से ऐसे कवर कर लिया है। अभी हम इसमें क्रीम बनाई है, ये डालेंगे। अच्छे से हमने इसको विस्कर की हेल्प से कर लिया था, तो अभी हम ऐसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर से हर्षी सिरप डालूंगी,
देखिए, बस अभी ये जरी है, अच्छे से इसको ऐसे कर देंगे, जो मर्जी डाल लो। लोग तो कट करके ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं, पर मेरे पास ये सारा था अवेलेबल। मैं केक बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो मेरा बस मैं आटे का केक ही बना के खिलाती हूँ उनको, हेल्दी होता है ये। मैंने पिछली वीडियो में मैदे का बनाया था पैन में, तो वो मैंने उसका, अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और फिर हम इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बन गया है, बहुत ही अच्छा बना है। आप इस तरह से केक बनाओ और खाओ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। ये देखिए खाने में बहुत वाओ, वेरी टेस्टी। थैंक यू फ्रेंड्स।